अहमद केस। असद उमर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने तोहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर को जारी तोहीन अदालत नोटिस पर समाप्त की। असद उमर ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में पीटीआई जलसे के दौरान तकरीर में जज पर तनकीद की थी। अदालत ने असद उमर की तकरीर की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी तलब किया था। अदालत ने असद उमर से तोहीन अदालत के नोटिस का जवाब भी तलब किया। अदालती हुक्म पर आज असद उमर अपने वकील एडवोकेट फैसल चौधरी के हमरा अदालत में पेश हुए। जस्टिस जवाद हसन ने फैसल चौधरी से इस्तफार किया कि आपके मुवक्किल कहाँ हैं, उनको पेश करें। जिस पर असद उमर अदालत के रोस्टर पर आकर अपनी तकलीफ पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मसला तोहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्जाम का है। जिस पर असद उमर ने कहा कि मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरा मकसद अदालतों या जजों को निशाना बनाना नहीं था। जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मेरे पास आपके वीडियो बयान वो चलाना चाहते हैं, हमें चाहिए। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। असद उमर ने कहा कि मेरे किसी बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। जज ने कहा कि अदालत के पास आपकी वीडियो मौजूद है, आपको मालूम है कि आपकी तकरीर में क्या कहा है। आईन आर्टिकल 50 राइट टू मूवमेंट और 70 राइट 60 राइट के डेमोक्रेसी की।